Hey guys, welcome back to another video. Finally, Xiaomi ने Redmi Note 11 series को officially China में launch कर दिया है. And guys, जैसे कि हमने आपको बताया, Redmi Note 11 series के तीन variants launch कर दिए गए हैं China में. जल्दी से आपको हम इन तीन variants के नाम बता देते हैं. पहला है Redmi Note 11, जो कि standard variant है. दूसरा है Redmi Note 11 Pro variant. And तीसरा है Redmi Note 11 Pro Plus, जो है इस सीरीज़ का हाइयर वेरिएंट. सबसे पहले बात कर लेते हैं फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में. फ़ोन का डिज़ाइन बैक में एंड साइड में दोनों तरफ फ्लैट डिज़ाइन देखने को मिलता है, एंड फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोडक्शन मिल जाता है. प्रो एंड प्रो प्लस में आपको आगे और पीछे की तरफ ग्लास का डिज़ाइन मिलता है. वहीं पर स्टैंडर्ड वेरिएंट जो है रेडमी नोट 11, इस फ़ोन में आपको पॉलीकार्बोनेट के साथ प्लास्टिक बॉडी मिलती है. बात कर लेते हैं डिस्प्ले की, तो इस Redmi Note 11 में आपको 6.6 इंचेस की स्क्रीन मिलती है. वहीं पर Redmi Note 11 Pro एंड Pro Plus में आपको 6.67 इंचेस की स्क्रीन मिलती है. इसके अलावा Redmi Note 11 Pro एंड Pro Plus, इन दोनों फोन्स में हमें 8-bit सुपर AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है. वहीं पर Redmi Note 11 में हमें IPS LCD डिस्प्ले मिल जाती है, जबकि पिछले सीरीज़ के तीनों स्मार्टफोन्स में आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है. लेकिन इस बार हमें बेस वेरिएंट में IPS LCD डिस्प्ले ही मिलती है, जो एक ड्रॉबैक हो जाता है बेस वेरिएंट में. साथ ही Note 11 में आपको 90 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है, जबकि Redmi Note 11 Pro एंड Pro Plus में 120 हर्ट्ज का हाईएस्ट स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिलता है. साथ में 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिलता है. बात करें परफॉर्मेंस की, Redmi Note 11 में आपको MediaTek Dimensity 810 का 5G का चिपसेट मिलता है. वहीं पर Redmi Note 11 Pro एंड Pro Plus में आपको 920 का 5G का लेटेस्ट चिपसेट मिल जाता है. इसके अलावा तीनों स्मार्टफोन्स के प्रोसेसर जो है 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है. तीनों स्मार्टफोन्स में आपको पावर एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है. इसके अलावा हाई एंड गेम्स को हाई सेटिंग्स पर स्मूथली खेल पाएंगे, एंड साथ में मल्टीटास्किंग को भी स्मूथली परफॉर्म कर पाएंगे. ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. बात करें कैमरा डिपार्टमेंट की, Redmi Note 11 में 50+8+2MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, एंड वहीं पर फ्रंट में 16MP का सिंगल सेल्फी कैमरा मिल जाता है. वहीं पर Redmi Note 11 Pro एंड Pro Plus में आपको 108+8+2MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल जाता है. अच्छी बात है कि प्रो एंड प्रो प्लस दोनों वेरिएंट्स में आपको 108MP का कैमरा मिलता है. चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं बैटरी डिपार्टमेंट की. Redmi Note 11 स्टैंडर्ड वेरिएंट में 5000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, साथ में 33W का क्विक चार्ज का सपोर्ट मिल जाता है. वहीं पर Redmi Note 11 Pro में 5160mAh की मैसिव बैटरी मिलती है, साथ में 67W का क्विक चार्ज का सपोर्ट मिल जाता है. 40 मिनट के करीब आपका फ़ोन फुल्ली चार्ज हो जाएगा. इसके अलावा Note 11 Pro Plus में आपको 4500mAh की बैटरी मिलती है, साथ में 120W का क्विक चार्ज सपोर्ट मिल जाता है. कंपनी का कहना है कि 15 मिनट के आसपास आपका फ़ोन फुल्ली चार्ज हो जाएगा. इसके अलावा Redmi Note 11 Pro एंड Pro Plus में आपको JBL साउंड टेक्नोलॉजी के साथ ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल जाते हैं. वहीं पर Note 11 में भी आपको ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, लेकिन उसमें JBL साउंड टेक्नोलॉजी नहीं है. इसके अलावा तीनों फोन्स में 3.5mm का ऑडियो जैक मिल जाता है. यहाँ पर तीनों स्मार्टफोन्स में आपको 5G कनेक्टिविटी का सपोर्ट भी मिल जाता है, एंड साथ ही तीनों फोन्स में IP53 वाटर रेसिस्टेंट की सर्टिफिकेशन मिल जाती है. बात करें स्टोरेज वेरिएंट्स की, Redmi Note 11 स्टैंडर्ड वेरिएंट में 4GB रैम एंड 128GB की इंटरनल स्टोरेज वाला बेस वेरिएंट मिल जाता है. वहीं पर Note 11 Pro एंड Pro Plus में 6GB रैम एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला बेस वेरिएंट मिल जाता है. बात करें प्राइसिंग की, तो Redmi Note 11 का बेस वेरिएंट 14,000 से 15,000 के प्राइस रेंज के आसपास देखने को मिलेगा. वहीं पर Redmi Note 11 Pro जो है 18,000 से 19,000 के प्राइस रेंज के आसपास देखने को मिलेगा, एंड Redmi Note 11 Pro Plus का हाईयर वेरिएंट जो है 20,000 से 22,000 के प्राइस रेंज के आसपास देखने को मिल सकता है. एंड गाइस, शायद Redmi Note 11 सीरीज जो है 2021 दिसंबर की एंडिंग में या फिर जनवरी 2022 तक इंडिया में लॉन्च हो सकता है. तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं Redmi Note 11 सीरीज को लेके. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में.